दबा दिया, इसको दबा दिया, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मैम, ओके गुड आफ्टरनून, से ओनली वन टाइम, डोंट से अगेन एंड अगेन, एक ही बार आपको विश करना, बार बार नहीं बोलना है, ओके सो नाउ स्टार्ट, हाँ ओके नाउ स्टार्ट, शी एंड हर, इसके पहले जो हमने पढ़ाया था आपको पेज नंबर 30 में यूज ऑफ ही एंड हिज बताया था, अटेंड किया था लोगों ने, ही और हिज किसके लिए बताया था, किसके लिए हम यूज करते हैं ही और हिज, बॉयज के लिए यूज करते हैं हम लोग, अब हम शी और हर यूज करेंगे गर्ल्स के लिए, यूज ऑफ शी एंड हर, लड़की मैम, हाँ हर भी हम गर्ल्स के लिए यूज करेंगे शी एंड हर, सो नाउ आई विल राइट, यू ऑल्सो राइट इन योर इंग्लिश नोटबुक, आपको भी लिखना है, हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं सेंटेंस, आपको नोटबुक में लिखना है, सभी बच्चों को इंग्लिश की नोटबुक में, तो राइट फर्स्ट सेंटेंस है शी इज अ गर्ल, ये देखो यहाँ पर ऐसा चीज है, यहाँ पर लिखा और ऐसा चीज यहाँ पर, अरे खाली एस कौन सा बना, क्या बना, सी क्यों बना रहा है, ऐसा चीज तो सी बोलते हैं मैम, ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा मैं, ये लिखना है, ये नहीं है, ऐसा चीज बोल रही हूँ, बड़ा नंबर 30 में सही लिख रहे हैं, यदि आपको बोर्ड में नहीं लिखा दिख पा रहा है तो आप इसी बुक से लिख लीजिए, ऐसे लिखना है, अपनी फोटो क्लोज कर ली है, लिखेंगे नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ओके रिमेम्बर ऑलवेज नेम का फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा, कहीं भी आप अपना नाम किसी का भी लिखोगे तो फर्स्ट लेटर नेम का कैपिटल लिखना, she is a girl, her name is Ruchi, third is माइक को म्यूट कर लीजिए, अदर बच्चों को भी डिस्टर्ब ना हो, म्यूट योर माइक, शी लव हर मदर, फोर्थ है शी रिस्पेक्ट,
father. Okay, yeah, she or her income here. She, her, she and her, she and her. Okay, use of she and her. हम क्या पढ़ रहे हैं? She and her का use हम कहाँ करते हैं? She और her use होता है girl or woman. Lady, female के लिए use किया जाता है तो she और her. So you will write in your notebook. वेरी गुड शो मी योर नोटबुक दिखाते जाइए जिनका कंप्लीट हो जाए आप दिखाते जाइए हमको नोटबुक नहीं है कौन बोल रहा है नोटबुक नहीं है बेटा नोटबुक आपके पास होनी चाहिए ना आपको हम यहाँ से देंगे क्या मैम नोटबुक नहीं लाया मैम घर से ये बताओ आपको पता है ना आपको क्लास अटेंड करनी है हाँ तो फिर क्यों लेकर नहीं गए हो आप मैम भूल गई थी मेरी मम्मी काम रहा हूँ फिर आप घर में जाकर लिखिएगा और इसमें क्या उनके वो लगी है क्या केवल उसमें बार लगाना है पहले मैम हो गया नंदनी बढ़िया का वेरी गुड नहीं बोलो गुड आई सी देख लिया नंदनी गुड चल देखो तो बैठ जाएगी हाँ तो चल भी नहीं करेगा मैम ओजस्वा का हो गया ओके ओजस्वा इसमें नाम डाल लीजिए आप अपना जो मोबाइल में सेट नंबर पड़ा हुआ ना गैलेक्सी इसमें आप अपना नाम डाल दीजिए आप अपना डाल दीजिएगा रीनेम कर लीजिएगा डाल दीजिएगा ठीक है
अंतिम का हो गया. वेरी गुड हार्दिक. शो मी योर नोटबुक. वेरी गुड. वेरी गुड. आई हैव सीन हार्दिक. हमने देख लिया. जैसा अभी हमने लिखवाया है सेम इसी तरह आपको अपनी मदर और सिस्टर या किसी के बारे में जो फीमेल हो, ये आपका होमवर्क रहेगा. प्रैक्टिस करना है. आप यहाँ पर आप अपनी सिस्टर को ले सकते हैं. ओके वेरी गुड वेरी गुड. दो मिनट रुक जाइए, पहले आपको समझा लेने दीजिए. जैसे इसमें लिखा है किसी के बारे में बताया गया है ना, आपकी मदर के बारे में या आप अपने सिस्टर के बारे में इसी तरह लिख सकते हो. जैसे इसमें लिखा शी इज अ गर्ल. ओके आप लिख सकते हैं. आप अपनी सिस्टर का नाम लिख सकते हो यहाँ. शी लव्स हर मदर सेम होगा. हर फादर सेम होगा. ठीक है, यहाँ पर केवल आप अपने सिस्टर का या मदर का नाम लिख सकते हो. ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेना और यही होमवर्क है आपका. इसी को आप प्रैक्टिस करना घर में. हाँ बोलो. ये तो सिस्टर ही नहीं है, मम्मी है. मम्मी के बारे में लिख दो. ठीक है, अपनी मम्मा के बारे में अपनी मम्मा का नाम लिख दो. ओके आई हैव सीन. देख लिया. ओके ओके वेरी गुड. दीपांश हो गया. मैम यहाँ रुचि लिखा है, उसका मम्मी का नाम लिखना है. मम्मी का नाम लिख दो. मम्मी का नाम लिख सकते हो. आपकी कजन सिस्टर भी हो सकती है, आपकी चाची के बेटी कोई होगा. मम्मी का लिखना है, सारा कोई लिखना है. ओके सबका कंप्लीट हो गया बेटा. चलिए तो आपको होमवर्क करना है इसी तरह. चलिए बाय करें. बाय करें. चलो ओके बाय बाय.